हर हर महादेव। दोस्तों जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों मैं आप लोगों के बीच में बहुत ही खास जानकारी लेकर आई हूँ, बहुत ही खास जानकारी लेके आई हूँ। वीडियो में एंड तक बने रहें, वीडियो स्किप करके बिल्कुल भी ना देखना। अगर वीडियो स्किप करके आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, इसीलिए वीडियो में एंड तक बने रहें। बहुत ही अच्छा उपाय लेकर आई हूँ, यूट्यूब भर में किसी ने ही इतना अच्छा उपाय नहीं बताया होगा, इसीलिए मैंने सोचा ये उपाय मैं क्यों ना बताऊँ। भाई बंधु हमारे परेशान हैं, भाई बहनें सभी परेशान हैं, ये कुछ भी कार्य उनका सिद्ध नहीं हो रहा, इसलिए मैं बता रही हूँ बहुत ही अच्छा उपाय है, ध्यान से सुन लो। भूत का घर में साया हो तो कैसे पता करें? भूत का अगर आपके घर में साया है तो कैसे पता करें? चलिए बताना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सात फूल वाली लौंग लें, सात फूल वाली लौंग लें, उसको हाथ में रखकर पूरे घर में घुमाना है, पूरे घर में घुमाना है। घुमाने के बाद आपको क्या करना है, एक कांच की कटोरी ले लेना है, कांच की कटोरी ले लेना है। कटोरी में वो घुमा कर जब लौंग लाएंगे तो उसी कटोरी में रख देना है। उसके बाद आपको देखना है अगर आपके वो जो लौंग है कटोरी में अगर सीधे पड़ी हुई है, तो समझ लो आपके घर में भूत का साया नहीं है। अगर लौंग खड़ी है, लौंग खड़ी हो गई है, तो समझ लो आपके घर में भूत प्रेत का साया है, ठीक है। और इसका उपाय भी बता रही हूँ, इस भूत प्रसाद को कैसे हटाएं, भूत प्रसाद को हटाने का भी तरीका बता रही हूँ। वीडियो में एंड तक बने रहें, वीडियो को स्किप मत करें, नहीं तो समझ में आप लोगों की भाइयों बहनों नहीं आएगा। इसका उपाय बता रही हूँ, वीडियो में बने रहें, ठीक है। इसका उपाय यह है कि मिट्टी का बड़ा दीपक ले, मिट्टी का बड़ा दीपक ले, उसमें क्या करना है, पीली सरसों थोड़ा सा लेना है, और कपूर और गूगल लोहान रोज घर में क्या करना है, रोज जलाकर पूरे घर में इसका धुआं दिखाना है, पूरे घर में इसका धुआं दिखाना है। शाम को ये कार्य करना है, ठीक है। ये शाम को रोज सूर्य अस्त होने के बाद ये कार्य आप लोगों को करना है। ये उपाय ऐसा नहीं कि आपने सुबह नहा लिया तो शाम को ना नहाएं, नहीं ऐसा नहीं करना है। आपको शाम को फिर स्नान करना है, स्नान चाहे हमारी भाई हो, चाहे हमारी बहनें हो, चाहे माताएं हो, कोई भी हो, शाम को स्नान करने के बाद ये कार्य आपको सूर्य अस्त होने के बाद ये उपाय आप लोगों को कर लेना है। और घर में धन और मंगल कार्य होने लगेंगे, लड़ाई झगड़ा जो भी हो रहा था, शादी ब्याह मकान जो भी भाइयों को का रुका पड़ा था, सारा कार्य ठप पड़ा था। कहीं बच्चे बीमार थे, कहीं आप बीमार थे, कहीं माता जी बीमार थी, कोई भी बीमार था, कोई भी कार्य आपका सिद्ध नहीं हो रहा था। और देखना सारा कार्य आपके घर में सब कुछ मंगल ही मंगल, सब कुछ मंगल ही मंगल ना होने लगे तो मेरा नाम बदल देना। हर हर महादेव, जय श्री राम।